बनी इसराइल के आदि शख्स ने देखा कि बनी इसराइल के कुछ लोग एक दरख्त की पूजा करते हैं। उसे यह देखकर बेहद अफसोस हुआ। वो अपने घर गया और उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को काटने के लिए चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि शैतान इंसानी शक्ल में उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए बंदाए खुदा, तुम यह फजूल काम क्यों करना चाहते हो? इस दरख्त को काटने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? आबिद को उसकी बात पर सख्त गुस्सा आया। बात बढ़ती रही और दोनों आपस में लड़ने लगे। थोड़ी देर में लड़ने के बाद शैतान गिर गया और आबिद शख्स शैतान के सीने पर बैठ गया। शैतान ने जब अपनी हाथ देखी तो कहने लगा, हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, तुम इस दरख्त को ना काटो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि रोजाना 2 दिनार तुम्हारे सिरहाने रख दूंगा। रोजाना 2 दिनार तुमको तुम्हारे सिरहाने मिल जाएंगे, जिससे तुम अपने काम लेना और गरीबों की मदद करना। इस बात पर आबिद शख्स राजी हो गया और बिना दरख्त काटे वापस अपने घर चला गया। 2 दिन तक तो आबिद को रोजाना सुबह अपने सिरहाने 2 दिनार मिलते रहे, लेकिन 3रे दिन यह सिलसिला बंद हो गया। आबिद ने थोड़ा इंतजार किया और उसके बाद गुस्से से अपनी कुल्हाड़ी लेकर दरख्त काटने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर शैतान खड़ा नजर आया। शैतान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आबिद ने कहा, दरख्त काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें हरगिज दरख्त काटने नहीं दूंगा। वह दोनों एक बार फिर गुत्तम गुत्ता हो गए, लेकिन आज शैतान ने आबिद को हरा दिया और शैतान आबिद के सीने पर चढ़ गया और कहने लगा, अब अगर तूने इस दरख्त को काटने के बारे में सोचा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शैतान की यह बात सुनकर आबिद ने डरते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद दरख्त को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और मुझे इतना बता दो कि पिछली बार तो तुम मुझसे हार गए थे, मगर आज मैं तुमसे कैसे हार गया? शैतान ने कहा, पहली बार तुम खुदा के लिए दरख्त काटने जा रहे थे, इसीलिए मैं हार गया, क्योंकि मेरा बस उन लोगों पर नहीं चलता जो सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करते हैं, जिनका हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, जो सिर्फ अल्लाह के लिए निकलते हैं, जिनके हर काम का मकसद अल्लाह की रजा होती है, मैं उनके सामने कमजोर हो जाता हूँ। लेकिन इस बार तुम अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा गुस्सा इस बात पर था क्योंकि तुम्हें दिनार मिलना बंद हो गए थे, तुम्हारा मकसद मालो दौलत था, इसलिए तुम आज हार गए और मैं जीत गया, क्योंकि तुम्हारा काम अल्लाह के लिए नहीं था बल्कि दुनिया के लिए था, अपने लिए था, पैसों के लिए था। मोहतरम दोस्तों, एक मरतबा हजरत अली एक जंग के दौरान एक काफिर से लड़ रहे थे। इतने में काफिर नीचे गिर गया और उसके सीने पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार रख दी। जैसे ही हजरत अली तलवार चलाने वाले थे तो उस काफिर ने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे मुबारक पर थूका, तो आपने उसको फौरन छोड़ दिया और कहा कि जा, मैंने तुझे माफ किया। वह शख्स हैरान हो गया और कहने लगा, ए अली, तुमने मुझे गिरा दिया था, तुम चाहते तो मुझे कत्ल कर सकते थे, मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे बताइए इसके पीछे क्या वजह है? हजरत इमाम अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें जब कत्ल करने लगा था तो सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि मेरी तलवार सिर्फ अल्लाह के नाम पर उठती है, लेकिन जब तुमने गुस्ताखी की तो मुझे गुस्सा आ गया, और अगर अब मैं तुझे कत्ल करता तो यह अल्लाह के लिए नहीं होता बल्कि मेरा जाती मामला होता, इसलिए मैंने तुझको छोड़ दिया। वह शख्स आपकी बात से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। दोस्तों, जब हम कोई भी काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत हमें उस वक्त हरा नहीं सकती, क्योंकि हम अल्लाह की पनाह में होते हैं। लेकिन जब हमारा मकसद दुनिया और दुनिया का माल हासिल करना होता है तो फिर शैतान हम पर हावी हो जाता है और हमें उस काम में कभी कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, कोई सा भी काम हो, चाहे दुनिया का हो या आखिरत के मकसद का, सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। और किसी ने क्या खूब कहा है, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें सबके साथ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलाम वालेकुम।